हेलो दोस्तों, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 13 जून 2021। छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्मार्ट क्लासेस रोल मॉडल। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। जिले के 304 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग के 4.44 करोड़ रुपए की राशि से हुआ आवंटन। जिले में चयनित स्कूल में लागू होनी नई व्यवस्था जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में मंजूरी मिली। जिला पंचायत की सामान्य सभा शुक्रवार को वर्चुअल हुई। बैठक में तय किया गया कि सरकारी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस तैयार किए जाएंगे। इसके लिए जिले के बुनसुली, तिरंगा, विजयवाटा, जयराय स्कूल को चिन्हित किया गया है। रोल मॉडल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। इसके बाद अन्य सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। यहाँ किस जिले में शुरू की गई है? तो दुर्ग जिले में की गई है। दोस्तों अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में ये रहा अपना दुर्ग। दुर्ग की स्थापना 1906, मुख्यालय दुर्ग। दुर्ग प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ है। शिवनाथ 290 किलोमीटर बहती है। प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है तो अपना दुर्ग है। स्वर्गीय हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग, नागपुरा, जैन तीर्थ का देवीश्वर पावरसनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाला जिला प्रदेश में, प्रदेश के दूसरा सबसे छोटा जिला है तो दुर्ग है। 1955 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया है। भिलाई को स्टील सिटी की ज्ञान की राजधानी, छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। 1965 SSA सीमेंट प्रदेश के प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जामुन दुर्ग में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्र बुराई दुर्ग CST का औद्योगिक प्रांतीय जो इसका कार्यालय है दोस्तों दुर्ग में स्थित है। प्रमुख खनिज चूना पत्थर नंदनी खुंदनी से प्राप्त किया जाता है। वासुदेव चंद्रकार कामधेनु विश्वविद्यालय प्रथम पशु चिकित्सक और पशु जो पालन का अंजोरा दुर्ग में स्थित है। भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मैत्री गार्डन रूस और भारत का मित्रता का प्रतीक। धर्माजी मोनर्जी फर्टिलाइजर कंपनी कुमारी दुर्ग में स्थित है। वन क्षेत्र पर प्रदेश में सबसे छोटा है तो अपना दुर्ग है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस नदी के किनारे 15,000 साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरपा नदी के किनारे मिला है। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर अरपा नदी के किनारे 62 साल के अवशेष मिले हैं। इसमें पत्थर और औजार के हैंडेक्स, क्विट पॉइंट्स और अन्य चीज़ें शामिल हैं जिन्हें जसपुर के एथोपोलॉजी नामक मानव शास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी ने इकट्ठा किया है। इनका दावा यह है कि औजार 15,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनका काम खुदाई, छिपाई, कटाई सहित अन्य काम में होता था। इससे पता चलता है कि अरपा के किनारे पाषाण काल के दौरान मानव संस्कृति बसा करती थी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों यह पत्थर के औजार हैं दोस्तों जिन्हें अभी हाल ही में अरपा नदी के किनारे से प्राप्त किया गया है और प्राप्त करता है प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी, यहाँ जसपुर जिले से हैं। तो अब अरपा जिले की बात, अरपा नदी की बात आई है दोस्तों, तो अरपा नदी बिलासपुर जिले से संबंधित है। तो बिलासपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैप में अपना बिलासपुर। बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। उद्गम गौरेला, पेंडा, मरवाही, पठार, खुडरी, खोखसा, सहायक नदी खारंग नदी 1920, खुट्टाघाट संजय गांधी के नाम से जाना जाता है। छोटी नर्मदा उद्गम बेलपा, छत्तीसगढ़ का अमरकंटक, विकासखंड बिलहा, प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। कारण बिलासपुर तहसील है, विकासखंड नहीं। चक्करभाटा हवाई पट्टा जो सेना के अधीन है। जनजाति बैना, बैगा, धनवार, बिलासपुर कोकेनाइल पेपर मिल। औद्योगिक क्षेत्र त्रिफला, सिरगिट्टी, दगोरी, सिलधरा, लकड़ा, ट्रैफिक पार्क, चट्टान, कड़प्पा क्रम की चट्टान, मुख्य खनिज डोमेमाइन है, खनन हर्री माइन से प्राप्त किया जाता है। यह प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक
क्षेत्र मनार सरापुरी शासक का प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया, जो लीलागढ़ नदी निडला के तट पर स्थित है। डिडनोसरी माता मंदिर बुढ़ीखार के चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति पातलेश्वर मंदिर स्थित है। तालागांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर मनियारी नदी के तट मुख्य द्वार पर रुद्र शिव की प्रतिमा है। चबरखेड़ा सातवाहन काली के स्वर सिक्के यहीं से प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ तालाबुआ शहर महामाया मंदिर स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम रामटेकरी मंदिर द्वारा करवाया गया था जो मंदिर है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म स्थली बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्र पर प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त पर क्षेत्र का गंदा आता है। ACCL 1987 मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है। उपकरण NTPC 2002 सीपत 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता 2008 से प्रारंभ किया गया। उच्च न्यायालय 1 नवंबर 2000 ग्राम पंचायत बोधरी भारत का 19वां उच्च न्यायालय बना है। 2003 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय घोषणा 1994 सृजन 2003 भारत का 16वां जोन बना है अपना बिलासपुर। बिलासपुर में सरकंडा पशु प्रजन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जू स्थित है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ सीकासी माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में CCF के प्रभारी बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एस जगदीशन को बनाया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जगदीशन 2005 बैच के भारतीय वायुसेना के अफसर रहे हैं। अचान कमार टाइगर रिजर्व को नया मुख्य वन संरक्षक CCF मिल गया है। सरकार ने जिम्मेदारी एस जगदीशन को दी है। जगदीशन को फिलहाल प्रभारी CCF अचान कमार टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इनके अलावा उन्हें ATR का वन संचालक फील्ड डायरेक्टर का भी जो प्रभार है उसे सौंप दिया गया। दोनों स्थान IFS अधिकारी अनिल सोनी के आकस्मिक निधन के बाद खाली थे, जिसे अब भर ले गया। दोस्तों जो जगदीशन है दोस्तों 2005 के बैच के भारतीय वायुसेना के एक अफसर है दोस्तों, अभी इसको CCF के पद को दे दिया है, वो संभालेंगे। और साथ ही दोस्तों फिलहाल इसे फील्ड डायरेक्टर भी बनाया गया है। अचान टाइगर रिजर्व की बात आई है तो ये किस जिले में स्थित है, तो ये मुंगेली जिले में स्थित है। अब मुंगेली की बात आई है दोस्तों तो मुंगेली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मेप में अपना मुंगेली, मुंगेली की स्थापना 2012, मुख्यालय मुंगेली, अचान कमार अभयारण्य 1975, देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में स्थापित किया गया। मुख्य नदी मनार मनिहारी नदी 134 किलोमीटर उद्गम पेंडा लोमड़ी पठार से हुआ है, सिवाहाल सागर पर्वत से हुआ है। परियोजना 1930 खुड़ी बांध राजीव गांधी परियोजना, सहायक नदी आगर तेजस्वा घोंघा छोटी नर्मदा, औद्योगिक क्षेत्र कमरिया मंदकू द्वीप, बैतूल में स्थित ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, शिवनाथ एवं मनियार नदी के तट पर स्थित है। मुंगेली स्थित पेंडा लोमड़ी पठार का मैकल श्रेणी का भाग है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।